एजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? सिनेमा घरों के बाद प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी केजीएफ 2, जाने स्ट्रीमिंग की तारीख। केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। इस फिल्म में रॉकी भाई का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म की सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टर भी तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भीड़ देखने को मिल रही है। हिंदी वर्जन में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 को रिलीज हुए एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। एक हफ्ते के अंदर ही केजीएफ 2 ने बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने बाहुबली 2, दंगल और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड हफ्ते भर में तोड़ दिए हैं। वहीं अब इस फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चा थी कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, जिसके रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। वहीं अब खबर आ रही है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो ने केजीएफ चैप्टर 2 के डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स ले लिए हैं। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम होगी। फिल्म को अमेजॉन पर 27 मई को रिलीज किया जाएगा। इसके चलते आप फिल्म को कहीं भी कभी भी देख सकेंगे। केजीएफ 2 के बाद ही फिल्म ने केजीएफ 3 की तरफ इशारा दे दिया है, जिसके बाद से केजीएफ 3 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। केजीएफ 3 को लेकर अब फैंस में एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है। हर कोई जानने के लिए बेताब है कि आखिर रॉकी भाई के साथ अब क्या होगा। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी केजीएफ 2 ने बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़कर बॉलीवुड की नींद उड़ा रखी है। इस फिल्म में रवीना टंडन और संजय दत्त ने अपनी दमदार अदाकारी से 4 चांद लगा दिए। वहीं अधीरा का किरदार भी तहलका मचा रहा है। आप हिंदी अच्छी बोलते हो, हिंदी में ही बोलो। आई थिंक सी द प्रॉब्लम इज अच्छी बोलते हो या अच्छी बोलती है, दोस थिंग्स कंफ्यूज मी। सो फिर भी आई कैन टॉक, दैट्स द ओनली थिंग। समटाइम्स आई एड्रेस गर्ल्स लाइक दैट्स द कंफ्यूजिंग पार्ट, बिकॉज लैंग्वेज समटाइम्स नो इट कैन इफ इट गोज रॉन्ग। केजीएफ 2 ने पार किया 750 करोड़ का आंकड़ा। आरआरआर की चमक भी फीकी। शुक्रवार को रिलीज हुई शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर स्टारर नई फिल्म जर्सी को फिल्म केजीएफ 2 ने अपनी रिलीज के 9वें दिन धो डाला है। फिल्म केजीएफ 2 की कामयाबी का रथ दूसरे हफ्ते में भी अपनी पूरी रफ्तार में है और इसने रिलीज के दूसरे शुक्रवार को भी अपना कलेक्शन बीते दिन के मुकाबले ज्यादा नहीं गिरने दिया है। फिल्म के हिंदी संस्करण ने रिलीज के पहले हफ्ते में 268.63 करोड़ रुपए की कमाई करके किसी भी हिंदी फिल्म की कमाई से ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना डाला है। अब फिल्म की कमाई एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर की अब तक की हुई कमाई से भी ज्यादा हो चुकी है। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई भी 750 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुकी है। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म केजीएफ 2 ने शानदार कलेक्शन किया। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के पहले 8 दिनों में ही तमाम रिकॉर्ड बना डाले। फिल्म का 9वें दिन का यानी रिलीज के दूसरे शुक्रवार का कारोबार भी उमदा रहा है। फिल्म ने शुक्रवार को करीब 19 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से किया है। फिल्म के हिंदी संस्करण ने शुक्रवार को करीब 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके अलावा केजीएफ 2 ने कन्नड़ में 4 करोड़ रुपए, तेलुगु में करीब 2 करोड़ रुपए, तमिल में करीब 4 करोड़ रुपए और मलयालम में करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई की है। इन आंकड़ों में अंतिम संख्या आने तक थोड़ा बहुत फेर बदल भी हो सकता है। अपनी लगातार उमदा कमाई के चलते फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने फिल्म आरआरआर की चमक को फीका कर दिया है। फिल्म आरआरआर को यश की फिल्म ने हर दिन मात दी है। फिल्म आरआरआर का बॉक्स ऑफिस सफर अगर दिनों के लिहाज से देखे तो इसके हिंदी संस्करण ने 50 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा रिलीज के तीसरे दिन, 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा रिलीज के पांचवें दिन, 150 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा 9वें दिन, 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा रिलीज के 17वें दिन और 250 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा रिलीज के 23वें दिन पार किया। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने कमाई के सारे पड़ाव अपने रिलीज के पहले हफ्ते में ही पार कर दिए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी ने रिलीज के पहले ही दिन 53.95 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसके बाद फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 46.79 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 42.90 करोड़ रुपए, चौथे दिन 50.35 करोड़ रुपए, पांचवें दिन 25.57 करोड़ रुपए, छठे दिन 19.14 करोड़ रुपए, सातवें दिन 16.35 करोड़ रुपए और रिलीज के आठवें दिन यानी गुरुवार को फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी में करीब 14 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म ने रिलीज से पहले हफ्ते में ही सिर्फ हिंदी में करीब 268.63 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कमाई 750 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। ये किसी भी भारतीय फिल्म की अब तक की आठवीं सबसे बड़ी कमाई है।
इस फिल्म ने रजनीकांत की फिल्म 2.0 के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दे दी है। फिल्म का कलेक्शन दूसरे हफ्ते में भी 100 करोड़ रुपए के करीब रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर फिल्म ऐसा करने में कामयाब रही तो ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई का एक नया रिकॉर्ड भी होगा। यस, वेलकम टू बॉम्बे। थैंक यू सर। अरे यार, तुम लोग वेटिंग फॉर KGF 2। उसने मुझे बोला था हार्ड कॉपी भेज दे, मैंने रॉयल का दे दिया। मैं जो काम करते हुए दे रहा जिसको कॉपी देना सब। सो सबसे पहले मुझे नवजी ने कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत पूछना, तो हाँ जी, किसी का कोई सवाल है या मैं अपने सवालों के साथ आगे बढ़ूं? किसी ने कुछ पूछा? किसका सवाल है? बाद में पूछेंगे। सोनी जी, आप अपने सवालों के साथ रेडी हैं? कहती है आप ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सो नव जी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके, पर आई थिंक इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, इतने सारे लोग जो आपको सपोर्ट करने आए हैं, जो आपके स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके थॉट को सपोर्ट कर रहे हैं, दे हैव बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? कैमरा ऑन है लगे सो फ्रॉम, मुझे स्टेज पे मत बुलाना, टू मुझसे सवाल मत पूछना, नाउ ही हैज कम टू, मुझे माइक की ही जरूरत नहीं है, अब बुलंद आवाज। कौन बोला माइक चेंज? अच्छा विनस, इधर टाइम्स भी है भाई। अच्छा, तो सबसे पहले तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से लेके फिर द मैन हु मेड मी फिल्म डायरेक्टर इज हियर, मतलब एक एक शख्स जब गैप आया तो राधिका जी हु मेड
90 फिल्म भी जिनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और दादा साहब फाल्के ट्रॉफी हमको मिली। थैंक यू राधिका जी। मतलब अगर मैं ऐसे नाम लूंगा, नॉन स्टॉप जो सपोर्ट है आप लोगों का वो अनबिलीवेबल है। मैं आशु जी, शेरा भाई, मतलब आप सभी अगर मैं नाम लूंगा, अब जस्ट इमेजिन करिए भाई कि मैंने सिर्फ एक कॉल किया और यूएसए से इंडिया आ गया। सो इस सपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता। यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड पीपल, वेरी सिंपल जो ये कह रही थी। और अब मेरे बारे में तो ज्यादा क्या बोलूं, तो आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया, ये मेरे बारे में बोलती जा रही है। इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी क्लासेस में एक लाइन पढ़ाता हूं, आई एम पॉसिबल। सो मैं ढूंढता था कि यार ये ऐसे लोग मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं किताबों में बाबू जी, या ऐसे लोग रियल में भी मिलेंगे। 2nd of April हम मिले, सर आपको पता ही था वो पूरे टाइम। 2nd of April हम मिले शाम को, बात हुई कि यार ऐसे इंटरनेशनल एक फिल्म स्कूल खोला जाए। 3rd April तक रात को, और दोनों ने डिसीजन लिया बाबूजी की करते हैं यार। 2nd April, 3rd April लोकेशन लॉक, 4th April ये लोग दोनों अपना घर भूल गए, जिनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बहुत जल्दी शहीद होने वाले हैं, शादी होने वाली है। तो मतलब उस समय से चुरा कर लाना और रेत में आरामनगर में बैठना। सो एक मुझे मिला ये है आयम, और दूसरा है पॉसिबल, जिसको मैं ढूंढता था जरीना जी कि कोई यार मिले आई एम पॉसिबल मैं सिखाता हूं। बट ये दो लड़के वही हैं जो आई एम पॉसिबल। बाबू जी 20 दिन में जब हम गए तो मैंने मेरे कजिन को भेजा देव को, उसने कहा जाके कि सर आरामनगर पूरा फुल है, एक खंडर है, करेक्ट किरण, उसको खंडर ही बोलते थे आप लोग, वो किरण है। और युल्पी भाई किधर गए? हाँ यस, सो बोलते थे कि वो एक जगह है। और थैंक यू युल्पी भाई फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट। हमने उसको पूरा का पूरा तोड़ दिया। आज एक घर 2 महीने में नहीं बना। और इन्होंने दोनों ने मिलकर डे नाइट वही सोना, रेत में वही रहना, और इन्होंने वो टाइम से पहले पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्कूल खड़ा कर दिया, जिसके लिए मैं गौरी प्लीज कम। देखिए ये है यंग एनर्जी, गौरी ऑन बोर्ड आई, 3D डायमेंशंस के साथ आई। कम गौरी, ये है हमारी, जितना आप लोगों ने देखा है, इंटीरियर डिजाइनर, जिसे हम प्यार से ताई भी कहते हैं, और डे नाइट वर्क करके और वर्ल्ड क्लास जो इंटरनेशनल स्कूल बना दिया। सो मेरी तरफ से गौरी क्या चीज तुम्हें लगी, सॉरी मैं आपकी जगह ले रहा हूँ, मैंने कहा था मैं बोलूंगा नहीं तो मैं, हाँ नहीं ऐसे बोला, कभी भंगार वाले के पास ले गई, भंगार वाले से चेयर खरीदनी है, कभी पता नहीं कहाँ लेके, हाँ चल चलता ही जाएंगे, पर क्या कर सकते, अच्छा एक 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 चेयर 40,000 की तरह, अब फीस बढ़ानी पड़े। सो ये यंग एनर्जी ने ये इंटरनेशनल स्कूल खड़ा किया, और फिर मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दो चार बात और प्रोग्राम रुकना पड़ेगा, ठीक है, ओके, अच्छा चलो।
नहीं, ये वाले सवाल आपके लिए नहीं है, ये आपके आपसे जुड़े हैं पर इन सभी लोगों के लिए है। और क्विकली वी हैव गॉट ओनली 5 क्वेश्चंस, और जो भी ये इन सवालों का सही जवाब देगा उसके लिए हमारे पास गिफ्ट्स है और माइक भी है। सो यू हैव टू रेज योर हैंड, सारे एक साथ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप कि आपने नव जी का शोरील बहुत ध्यान से देखा होगा, और आपको वो पहले प्रोजेक्ट का नाम बताना है जिससे नव जी जुड़े थे। उसमें नव जी एसोसिएट डायरेक्टर थे, और आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसमें जो एक्टर्स थे वो उतने ही पॉपुलर हुए जितना कि इस फिल्म का कबूतर। इतने सारे लोगों का सही जवाब, सो इट्स लाइक ओके हु इज कीपिंग एन आई कि गिफ्ट किसको जाना चाहिए। यू हैव टू गेट मल्टीपल करेक्ट आंसर्स की गिफ्ट मिले। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें नव जी असिस्टेंट डायरेक्टर प्लस राइटर थे, और ये जो फिल्म है ये रिश्तों के बारे में है, पर पूरी फिल्म में लगातार एक ही सवाल रहा कि हम आपके हैं। मैंने खुद नाम बता दिया। प्लीज कैंसिल दिस क्वेश्चन, वील कैंसिल दिस क्वेश्चन, दिस शोज कि मैं कितना इन्वॉल्व रही हूं इसमें। ओके लेट्स कैंसिल दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये फिल्म का नाम जो बताएगा आई विल टेक देम एज अ विनर। ओके एंड यू कांट, यू हैव टू रेज योर हैंड एंड आंसर। ठीक है, ये जो फिल्म है इसमें इट वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसको राजू जी ने एज अ राइटर डायरेक्टर स्क्रीन प्ले। जी सर, आपको आपको कोई शिकायत है? सर आपको कोई शिकायत है? नहीं, आप जवाब बताने में लगे। ओके लास्ट क्वेश्चन है, ये एक फिल्म की सीरीज है जिसमें हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और ये फिल्म सीरीज में आई थी, और उसमें नव जी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर थे। करेक्ट बच्चों की सवाल फिक्स है सर, मैच फिक्स है सर, आपने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया सर। आप सर आपने भी हम आपके हैं कौन ही बोला होगा, वो मैं नहीं बोला। चलिए आप एक चीज ऐसी बता, आप एक सवाल पूछ लीजिए नव जी के बारे में। हाउ अबाउट दैट, एक क्वेश्चन आप बता। कोई है कोई फिल्म जिससे नव जी जुड़े हैं, जल्दी बताइए। हाँ एक एक फिल्म आप लोगों से पूछ सकते हैं जिस। अच्छा सवाल पूछिए, लीजिए सर माइक ऑन योर्स। आपके बचपन के दोस्त हैं ना, सवालों से पता चल रहा है। ओके वी हैव गॉट अ विनर, आई नो हु इज द विनर, सर इन रेड टी-शर्ट, सर प्लीज गेट अप, ही इज द विनर बिकॉज़ ही आंसर्ड एवरीथिंग करेक्टली एंड ही विल गेट अ। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये अपनी एकेडमी से कनेक्टेड हैं, और बहुत सारा कोरोना के समय सोशल वर्क इन्होंने किया। आप अपना परिचय बोलो। थैंक यू सो मच सर, और आप सबसे हाथ जुड़ गए, नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम अमजद कुरैशी है, और मैं एज ए एक्टर हूँ 13 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं। मैं निमाड़ के छोटे से गांव से हूँ, टीवाली, जहाँ पे 5-6 हज़ार लोगों की ही आबादी है। मैं 13 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, थिएटर कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैंने वेलकम बैक किए है, नो एंट्री और ड्रीम गर्ल की साउथ की फिल्म मेरी, फिल्म ऑस्कर भी है। बाकी मैं अर्जुन बहुत ही ज़्यादा इनको प्यार करता हूँ, और कई सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ। बाकी बस इतना ही बोलूँगा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। कैसे सर, मुझे लगता है आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, आप सब पर हैं टू बी अ ब्लॉसम्ड एक्टर। ठीक है, तो नव जी अब हम क्विकली क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, और उसके बाद तुरंत वो जो अमेजिंग सरप्राइज परफॉर्मेंस जो आपने सबके लिए रेडी किया है उसके बारे में। सो आई विल हैव अ क्वेश्चन सेशन, तब तक आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्टेज। हमको कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम ना आए, मैं
जयपुर एयरपोर्ट की बात आप लोगों को बता सकता हूँ कि बहुत लंबा समय चला जाएगा। मैं और प्रभु जी आ रहे थे और आने से पहले वहां से यहां तक कोई ऐसा शख्स नहीं था जयपुर का जिनका फोन नहीं आया। और मैं बहुत ताज्जुब था कि इतने बहुत अच्छे से वेरी वेल ऑर्गेनाइज कैसे हैं सब कुछ CISFG ये वो। फिर जब मैं गए लॉन्च में बैठे थे मैंने सब कुछ कैसे बोले वन पर्सन शेरा भाई मेरी तरफ से नहीं है कुछ, ये सब सलमान भाई मेरे मालिक की तरफ से है, उनका आशीर्वाद है जिसकी तरफ से मैं सब करता हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं। In our country, जहाँ पे हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, Mr. Shera has proved one thing. अगर आप कोई भी काम करें, you do it with all sincerity and loyalty, you will be a celebrity. People will look up to you, no matter what job or profession you do. So a huge round of applause for Mr. Shera. Thank you being with me. अच्छा दोस्तों अभी डाल दीजिए और दरवाजे बंद। Yes and भूषण जी they are ready? Yep sure. So everybody please be seated. Please put सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जो नई एक्टिंग अकेडमी बोली रिवर क्या कहना चाहेंगे कैसी बॉन्डिंग है सर के साथ क्या कहना चाहेंगे सर के सबसे पहली बात तो ये है नाम जी का एक्सप्लेन करने का समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि बुरे एक्टर को भी अच्छा एक्टर बना रहे मैम किस तरह की बॉन्डिंग रही है आपकी उनके साथ बॉन्डिंग आई जस्ट मेट हिम मैं राधे की शूटिंग कर रही थी सलमान भाई के साथ तो वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात उसके बाद हमारी बातचीत हो गई थी ये सब फ्रेश जहाँ जाता हूँ जैसे मैं जिम जाता हूँ वर्कआउट करता हूँ वहाँ भी काफ़ी लोग जो बाहर से आए हुए हैं लड़ते लड़के वर्कआउट करने आते हैं हर एक भी टैलेंट है लेकिन हर एक को एक टैलेंट बाहर आने के लिए उस स्कूल या कोई गुरु की जरूरत है तो मेरे हिसाब से ये जो स्कूल खुला है काफ़ी हेल्प करेगा इनको उनका टैलेंट बाहर आने में और हर एक को आजकल आपको पता है जैसे कि वेबसाइट वगैरह वेब सीरीज वगैरह और ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी लोग नए नए चेहरे देख रहे हैं तो सबको मौका मिलेगा पर्सनैलिटी को दिखाने में और कहा जा रहा है कि सलमान भाई भी मतलब हमेशा नए टैलेंट को मौका देते हैं तो इस जो एक्टिंग स्कूल है वहाँ से भी कई सारे टैलेंट देखने मिलेंगे। देखो आज की तारीख में जो बच्चे आते हैं जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं सब एक अपने रोल के लिए ऑडिशन देते हैं और जो ऑडिशन में अच्छा करता है उसे जरूर मौका मिलता है उसे जरूर चांस मिलता है। और सलमान भाई के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है नाम सर की क्योंकि बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और मतलब एक आज आपको जैसे पता है भाई की बॉलिंग अगर किसी अच्छी होती है तो हर पिक्चर में आप देखेंगे विलन असिस्टेंट और वर्किंग ऑन द सेट एंड दिस द रीजन सबके साथ आपका बेटा भी जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है थोड़ा सा अगर उस बारे में बताया हमें जल्दी शुरू होगी पिक्चर मैं भी वेट कर रहा हूँ कब शुरू होती है और कैसे शुरू होगी तो मैंने सबसे सलमान भाई मालिक भी आप सबको न्यूज थैंक यू सर थैंक यू छोटा सा क्वेश्चन हो जाए नर्वस थे एक्साइटेड हो क्या चल रहा है दिमाग में आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस व्हेन आई से कि पहले ये तो नर्वस नहीं रहा पर मैं थोड़ी नर्वस थी पर आई थिंक देख के हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्या बात मैं बता यू द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द सॉन्ग आई सेड दिस फर्स्ट थिंग इज अ सुपर हिट सॉन्ग एंड द वे इट वाज रिक्रिएटेड मैंने कहा यार ये तो शॉट फास्टर है ही है तो नर्वस थे नहीं And actually when I heard Aditya for the first time about this song, when I heard Aditya for the first time, I hadn't heard of him like this and it actually blew my mind. So, I asked him, is this actually Aditya? Actually. Yeah.
No, I was never nervous. And then Ganesh sir was on board for a very long time. I mean, it has to be visually a very good product. Audio was absolutely A-okay for me. And Ganesh ji, talking about you, kis tarah se ye choreographer, to yes, we know of course, but direction and directing them, kitna aasan tha, kitna difficult tha, kuch aisi insight jo aap de sakte ho? Isme direction jaisa kuch tha hi nahi. Achha. Choreograph tha, total choreograph tha, gaana hi itna bada hit hai pehle se, aur thoda challenge hota hai. कि आप 90s का गाना 2022 में वापस मूवमेंट्स क्रिएट करना, क्योंकि मैं भी 90s से ही इनके कई गाने मैंने किए जो मैं वापस कर रहा हूँ. कुली का किया, छम्मा छम, इन्होंने शुरू हमारे पिक्चर से किया था कुली नंबर वन. बड़ी अच्छी गाना मेरा लाइफ तो बहुत टफ था और करना था, मांगता ही क्या तो क्या करेंगे. तो पता चला कि ने गाना गाया है, सिल कर रहे हैं, पलक है और इन लोग सब साथ में हैं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यूथ के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि ये गाना मेरे स्टाइल से थोड़ा अलग है. मैं एकदम टिपिकल बॉलीवुड तड़के वाला कोरियोग्राफर, ये बहुत स्टाइलिश है. ट्राई किया मैंने और आपके सामने जो भी है, जो भी है नहीं, बहुत अच्छा, फुल पावर है. थैंक यू सो मच गणेश जी. एंड आदित्य, आदित्य नारायण, आई मस्ट से फॉर दिस लॉन्च, कैसा रहा ये सॉन्ग? बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट साउंडिंग लाइक व्हाट हमने सुना है आपको, सो किस तरह से ये अलग तालमेल बिठाया? थैंक यू भाई. और फर्स्टली आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन हियर, हम सब जो है ओरिजिनल फिल्म के, ओरिजिनल फिल्म रंगीला और उसके साउंड ट्रैक के फैंस हैं. वी ग्रोन अप वॉचिंग द फिल्म एंड लिसनिंग टू इट. It's my great fortune to have been associated with the original Rangila. और जब मुझे चिरंतन ने फ़ोन किया, फॉर मांगता है क्या, आई वेरी वेरी एक्साइटेड. और फिर मुझे सर ने पूरी टीम के बारे में बताया. एंड यू नो व्हेन यू हैव अ टीम लाइक दिस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू गेट इन द स्टूडियो और आपको जो कहा गया है, यू जस्ट डू दैट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. एंड आई न्यू दैट विद पलक एंड अंते द वीडियो इज गोइंग टू लुक फैबुलस. एंड यू नो अंडर Kumar sir's wings, we're all going to fly. So, हमने अपना best दिया है और हमें ऐसा लगता है कि हमने अच्छा काम किया है. Of course, there's the composer Chiranthan Bhatt. Yes, Chiranthan Bhatt. Chiranthan Bhatt. बहुत अच्छा नाम है उनका. और मनोज यादव जी ने इसके additional lyrics लिखे हैं. And everyone's done a fabulous job. Diksha sounding fantastic. And अब बस, the song is yours now. It's not ours anymore. And I hope आप लोग enjoy करें. And it's a fun song. It's a fun video. And I hope that everybody, you know, has fun with it, dances on the song, makes your reels, and you know. Absolutely. Yeah. Is it digital? Main world famous kar do. And moving on to Chiranthan ji, aapke naam ka naam, mere liye zordaar taaliya hai. Mere liye zordaar taaliya, Chiranthan ji. Naam aapne correct. Maine naam correct pronounce kiya, lekin ab to main show se tabhi nahi hua sir. Naam ka matlab kya hai? Ye bata do mujhe please. Dimag mein aur dil mein baith jayega. Everlasting. Like the song. Immortal. Absolutely. Like the song मांगता है क्या? It's everlasting. And sir, आपने ये सब तालमेल बिठाया है. So how was the experience? Wonderful experience. मुझे एक दिन कुमार जी से फोन आया था कि रहमान साहब, the legend, उनका गाना है, मांगता है क्या, और हम recreate करना चाहते थे. तो पहले तो मैं थोड़ा nervous हो गया, रहमान साहब का गाना है तो दर्द है. I've always been a big fan of so how to approach it, कैसे करना. और तब कुछ डेडलाइन थी तो हमें जल्दी करना था, तो मैंने फटाफट कुछ जो मुझे समझ में आया करके भेजा और उनको बहुत पसंद आया. और उसके लिए मुझे एक सिंगर चाहिए थी, तो मैंने दीक्षा को फोन किया और वो यहाँ थी भी नहीं, वो दिल्ली में थी, और मैंने उनको भेजा, उसने वहाँ से गा के भेजा. और जब सर ने सुना और बाकी टीम ने सुना तो उनको दीक्षा की आवाज़ भी इतनी पसंद आई कि they agreed to cast her in the song. And Aditya and me go back very long, and we are, so मैंने उससे कहा कि भाई please can you sing the song, because मुझे लगा कि ये उसकी आवाज में, because he is not sung, people have not heard it. Yes, yes. You know, so it was something new for him, and because I knew what he is capable of, so he was of course ever ready to do it for me. And it has created magic. Thank you, Aditya. And I think this worked out.
Absolutely. And you spoke about Diksha. So, जब आपको ये फोन आया तभी आपको नर्वसनेस हुआ कैसा था क्योंकि अगेन इट्स अ रिक्रिएशन ऑफ अ लेजेंडरी सॉन्ग सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस दिक्षा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज इन मुंबई फॉर गुड 4 इयर्स और मैं थक हार के वापस चली गई थी दिल्ली और वहाँ से अपने सेटअप से मैं सबको स्क्रैचेस गा के भेजती थी सो आई वाज लाइक सर ने मुझे कॉल किया चरतन सर ने और उन्होंने बोला कि एक गाना है आई डेंट नो कि ये टिप्स का गाना है और इसमें जाने वाला है आई डेंट आस्क मच कि एग्जैक्टली वॉट इट इज़ अबाउट बिकॉज आई वॉज लाइक कि जो अगर होगा भी तो पता चल जाएगा एंड आई वॉज आई नेवर हैड होप्स यू नो आई नेवर हैड होप्स बिकॉज एक टाइम पे आई वॉज लाइक कि अरे मैं गा के भेज रही हूँ पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं आई डोंट नो एक्चुअली सो देन चिरंतन सर टोल मी कि यू माइट गेट अ कॉल फ्रॉम टिप्स सो आई वॉज लाइक ओ रियली पता नहीं ये भी आएगा कि नहीं सो बट आई एक्चुअली गॉट एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड ऑफ कोर्स पहले तो चिरंतन सर की वजह से एंड देन कुमार सर रियली बिलीव्ड इन मी एंड थॉट दैट एक्चुअली आई कुड वर्क विद दिस ब्यूटिफुल टैलेंटेड पीपल सो आई फील रियली ब्लेस्ड एंड या Yes, dreams do come true. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone, for the song launch. And yes, मिलते हैं जल्दी कोई एक नए गाने से और उसमें तड़का अलग होगा. Thank you so much. Photos are available. Doing the QA? Yeah. Any questions from the press, media? सर वैसे तो नोबडी कैन से He has kind of revolutionized Bollywood with his sound. पर मैंने ऐसा ही सोचा कि अगर मैंने ये कंपोज किया होता ये गाना और इस एज में मुझे अगर ये करना होता तो मैं कैसे करता तो मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा और गाना किया और मैंने ज़्यादा छेड़ा भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि अपना कुछ ज़्यादा कॉम्पोजिशन उसमें डालूँ या उसको ऑल्टर करूँ जो उनका है वही रखा है कुछ दो तीन पार्ट मैंने ऐड किए हैं जस्ट टू पैप अप द सॉन्ग अकॉर्डिंग टू द जॉनर ऑफ द सॉन्ग सो सर इज सर एंड नोबडी कैन रिप्लेस थैंक यू सो मच सर जी सर एनी मोर क्वेश्चंस ओरिजिनल रंगीला में आपने गायक के तौर पे गाया था और यहां फिर एक बार आप रंगीला के गाने को आवाज दे रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है सर फर्स्टली आई फील वेरी वेरी लकी कि इतने सालों से मैं काम करता आया हूँ एंड यू नो टू बी रेलेवेंट ओवर द इयर्स इज वंडरफुल फीलिंग और उस वक्त जब मैं रंगीला के लिए गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था इट वाज एक्चुअली रहमान सर्स फर्स्ट एल्बम एंड आई हैड नो आइडिया वो कौन थे मतलब हमने एक एल्बम सुना था शायद बॉम्बे उनकी रिलीज हुई थी और यू नो इट्स इनफैक्ट जब मैं उनके स्टूडियो में पहली बार एंटर कर रहा था चेन्नई में तो वो मांगता है कि आप काम कर रहे थे सो द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई एक्चुअली हर्ड व्हेन आई एंटर्ड रहमान सर स्टूडियो वाज मांगता है क्या तो एक इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस और यू नो रिक्रिएशंस और एसेंशियली फॉर मी आई फील ऐसा लगता है कि दे आर मोर लाइक यू नो इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट यू नो इट्स लाइक हाँ हम सब इन फिल्मों के इन गानों के इन एक्टर्स के इन म्यूजिशियंस के फैंस हैं और एज फैंस यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव इट अ न्यू काइंड ऑफ ट्विस्ट हम एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं और एक नई जनरेशन को ये गाने और ये साउंडट्रैक्स पहुँचाते हैं ऑफकोर्स रंगीला जब रिलीज हुई थी तब पलक का पिछला जन्म चल रहा था और ऑब्वियसली इस जन्म में पहली बार उन्होंने मांगता है क्या सुना है बट दैट्स द ट्रूथ एंड
आई फील लाइक अगर रीमेक्स आप अच्छे से बनाए तो वो और लोगों तक पहुंच सकता है क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू होती है एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशनड यू नो टिप्स हैज द मोस्ट वंडरफुल कैटलॉग ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s एसेंशियली जो गाने सुन के हम सब पड़े हुए हैं और अगर उन्हें इसी तरह अच्छे से पेश किया जाए तो ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा और उसे बहुत सारा प्यार मिलेगा और आदित्य जाने से पहले मतलब जब होने से पहले मुझे रिक्वेस्ट आई है वहाँ से कि आपको ये गाने के दो चार लाइंस को ये सारे लोग एक साथ ये यहाँ से अभी फिंगर पॉइंट करके नहीं बोलूंगा लेकिन ये यहाँ से क्या पूछते पूछते ये से रिक्वेस्ट आया है यहाँ से दीक्षा यस दीक्षा माय हम गाएंगे तो एक साथ ओके सो हियर गोज अच्छा ताली वाली बजाइएगा प्लीज दिल की गलियां सुनी है मन में बड़ी बेचैनी है मुझमें उतरना मुझ पे मरना कुछ दो करना करना कर देना आई आई ओ ए वो मांगता है क्या वो बोलो हाँ बोलो मांगता है चांगे ले लो ये सुहानी शान जादू ऐसा है हमारा जो मांगता है वो मिलेगा तुमको आई आई ओ इलो मांगता है जो वो दे दो हाँ दे दो मांगता है दिल वो दे दो मांगता है प्यार बस इनके सिवा हो जाना और कुछ नहीं मांगता ही आई आई हमको बोलो बोलो क्या बोलो बोलो क्या क्या मांगता है बोलो बोलो क्या बोलो जो भी मांगता मिलेगा बहुत ज़्यादा और मेरे लिए बहुत सरियल है और मैं बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड फील करती हूँ बिकॉज पिछले साल तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में क्या होगा और एकदम अब यू नो आफ्टर दिस सॉन्ग इट्स सो डिफरेंट नाउ सो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस एक्चुअली एक तरह से जी जो वो चाहे क्यों पीछे भड़का रहे हो यार देंगे देंगे सबको और भी है हमारे आर्टिस्ट उनके लिए भी है जो है सबको अभी जो नया स्लोगन है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग स्टार्स फिल्म भी है ना अभी I've grown up on them. 80s or 90s songs, so I think 90s songs were magic. So were the 2000s the songs. I really love 60s music also. But very honestly, I feel like Rangeela, the whole soundtrack, kitna beautiful tha, it's so ahead of its time. So, you know, so even when we were recreating it now, jab hum log gaana sun rahe the, even though it's, you know, from a film from the 90s, it sounded so fresh, you know, jaise abhi ke time mein hi bana ho. So it was, I think, It was amazing and it was, I feel very grateful to be a part of this team and this experience. I've absolutely grown up on these songs. I bathroom singer woman,
तो मैं हमेशा बाथरूम में 90s 80s तक पे जाता हूँ. आई कीप सिंगिंग दीज ओल्ड सॉन्ग्स एंड दे रेजोनेट विद मी अ लॉट मोर देन टुडेज जनरेशन सॉन्ग. बट दिस इज वन सॉन्ग व्हिच हैज एक्चुअली टच्ड माय हार्ट. चिरंजीवी ये रहमान इज द ग्रेटेस्ट. आपने मतलब कैसे उसको मतलब और अच्छे से सोचा कि ये बीट कैसा होगा, ये इधर क्या होगा, बिकॉज़ आपने कुछ अपना सोचा होगा. तो ये गाना वैसे अगर आप ओरिजिनल भी सुनिए सुनेंगे तो थोड़ा अतरंगी टाइप का इसका कॉम्पोजिशन है और बीट और सब बहुत ही डिफरेंट था. तो पहले तो सोचना था कि उसको कैसे हम एक डांस फॉर्मेट में कर सकते हैं जो लुक यू नो विच विल अपील टू द यूथ ऑफ नागपुर. तो मैंने प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा था कि मैं भूल जाता हूँ वो गाना, बिकॉज वो गाना जैसा था वो ही डिफरेंट था. कि अगर मैंने ये कंपोज किया होता अभी इस वक्त तो मैं उससे कैसे करता, मैं उसको कैसे प्रेजेंट करता. तो मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा है और मैंने बहुत मेरे ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इसमें भी बहुत कम रखा है, बिकॉज मैं छेड़ना नहीं चाहता था. जो क्लासिक है लेस इज मोर इन दिस केस. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा और एक बार वो बीट समझ में आ गया कि हाँ ये बीट रखना है गाने के लिए, फिर तो सब कुछ इजी था. जी अरे कैसे हुआ है अभी जी 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 एब्सोल्युटली. पर्सनली क्या करें क्या ना करें, इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एवर. क्योंकि जैसा कि आदित्य कह रहे थे कि मैं इस गाने में काफ़ी अलग साउंड कर रहा हूँ. आई थिंक व्हेन द ओरिजिनल साउंड ट्रैक केम आउट और जब क्या करें क्या ना करें आया था, माई फादर साउंड इट सो डिफरेंट. और ए आर रहमान सर और बाबा की जो कोलेब्रेशन है, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट कोलेब्रेशन दैट माई फादर हैव इन हिज एंटायर लाइफ. क्योंकि उनका जो एक अलग स्टाइल है उसको रहमान सर ने बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है. और जब दोनों स्टूडियो में एक साथ काम करते हैं, they've always done some fabulous work. और I've always been a fan of रहमान सर separately और पापा separately, लेकिन इन दोनों का जो साथ में काम है, I think I rated above and beyond most of all the songs जो मेरे पापा ने गाए हैं. अजनबी जी, अजनबी बोलिए, there's so many beautiful songs that they've done together. और I feel very lucky to have grown up in an era jahan par Rehman sir aur papa apne peak pe the, apne prime pe the. It was a treat for all music lovers. और एक कुछ हो रहा है रंगीला के एक आधे गाने के साथ और कुछ हो रहा है. तो ये नहीं अभी लाइन में था, लेकिन सोचते हैं. स्कूल यूनिफॉर्म पहनना कितना नॉस्टैल्जिक था. कुछ साल पहले we were shooting on a school campus, so it felt wonderful. I remember मैं वहाँ पे जाके सारी classrooms भी मैंने देखी जहाँ पे लोगों ने जो scribble किया था desks पे, and it was a very beautiful feeling. And हमारे पास इतनी सारी background dancers थे, thanks to Ganesh sir. It actually felt like the chaos of a school playground, so it was a wonderful experience. I don't remember my how I felt at that time कि मतलब जब मैं school में पहुँचा था बहुत साल हो गए इस चीज को, पर तो जिस तरीके से हम मस्ती करते थे वहाँ पे, पेपर फेंके जा रहे हैं हम, कुछ लड़के डेस्क पे बैठे हुए थे, दीस थिंग्स एक्चुअली गॉट बैक अ लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज एंड ब्यूटीफुल वंस. मैं ट्रूली मानता हूँ कि ग्रोइंग अप इज अ ट्रैप और वो स्कूल का टाइम और कॉलेज का टाइम बेस्ट 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 है. Your first song was like a massive hit, which he and people love that. But after that,
मॉम ने अभी तक इवेंचुअली हर्ड द सॉन्ग, उनको ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा. इनफैक्ट वो दिन में 10 बार सुनती है और वो शी नॉट अ म्यूजिकल पर्सन, तो आई एम श्योर शी वुड लव टू मेक अ रील ऑन दिस. पर जब कंपैरिजंस की बात आती है तो नहीं, मुझे बुरा या मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं फील होता. कहीं थी मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मुझे मेरी माँ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वॉट अ वुमन टू बी कंपेयर टू. और इनफैक्ट मैं कहीं थी कि मुझे लगता है वो उनका स्टैंडर्ड लोअर कर रहे हैं, यू नो, बाई कंपेयरिंग हर टू मी, बिकॉज़ आई एम अ चिल्ड्रन गर्ल एंड शी इज एस्टैब्लिश्ड लॉट अ लॉट. बट या इट्स ऑलवेज फ्लैटरिंग टू बी कंपेयर टू माय माइंड. कौन सा देते हैं? कोई भी चले. आप लोग के लास्ट गाने भी बहुत ही पॉपुलर हुए थे एंड यू नो लोगों की दुआ करते थे, तो अब इस गाने से क्योंकि मुझे लगता है फैंस के लिए लास्ट कुछ कहना चाहिएगा, तो इस गाने को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशंस फैंस के साथ लास्ट गाना बहुत ही हिट हुआ था आप लोगों का एंड बहुत ही अप्रिशिएट की जैसे कुछ कहता है कि उसका हिट हुआ था तो ये भी ये जब ऑनेस्टली जब भी द टाइम आई वाज अप्रोच फॉर द सॉन्ग तब ही मुझे लगा था दैट दिस इज गोना बी एन एक्चुअली वेरी गुड हिट सॉन्ग. मैंने स्टार्टिंग में सुन लिया था तो वो डायरेक्टली हिट कर गया था मुझे. यार मैं गाड़ी में सुन रहा था, आई सेड दिस सॉन्ग, वो टाइम मुझे अप्रोच भी नहीं किया था, तो क्या उसने मुझे मैंने गाना सुना था, आई सेड कि आई एम सो श्योर दिस सॉन्ग इज गोना बी एन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट हिट. एंड मैं यूजुअली काम वो करता हूँ जो मुझे पसंद आता है, एंड अगर ऑडियंस को पसंद आ गया तो चेरी ऑन चेरी ऑन केक. एंड आई फील दिस वन विल डेफिनेटली डेफिनेटली हिट द ऑडियंस. यू नो जब मैंने पिछली बार सुना था मुझे वो गाना बहुत प्यारा लगा था, एंड मोर देन एनीथिंग आफ्टर फिल्मिंग दैट सॉन्ग एंड आफ्टर एवरीथिंग एल्स आई डिडंट नो अगर ऑडियंस उसको पसंद करेगी या नहीं, क्योंकि यू नेवर नो ऑडियंस को क्या पसंद आया क्या ना पसंद आया. पर मैं जानती थी कि मैं उस गाने से बहुत प्यार करती हूँ और वो सेम फीलिंग आई शेयर विद दिस सॉन्ग, क्योंकि एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है इज अ फैंटास्टिक टीम. आई गॉट वेरी लकी कि मेरे पहले गाने में इतनी ब्यूटीफुल टीम थी और मेरे सेकेंड गाने में बहुत अच्छी टीम है. सो आई जस्ट होप कि जैसे पहली बार हुआ कि मेरा प्यार ऑडियंस को भी प्यारा लगा, आई होप इस बार भी ऐसा ही. चलिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. हेलो सबसे दो चार किलो फिफ्टीन आधा किलो सबने मास्क पहन रखा ना. बीटरूट दे दो. ये क्या गाजर है क्या? ये कौन सा गाजर है? लाल गाजर नहीं है क्या? मटर दे दो. काटा बैंगन है क्या? लेकिन आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मैं मास्क पहनू. काटा बैंगन है. आलू मेरे को तो दिमाग ही काम नहीं करता क्या सब्जी लेने का. ये भिंडी है ना? भिंडी को दे दो. तो उधर भी तो है ना? ये है क्या? ताज़ा है ना? नहीं नहीं वो सड़ा हुआ है. ताज़ा दे देना. ये क्या है? इसको दे दो. लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है काला काला? ये पकेगा ना? पकेगा नहीं, इसको बॉईल करके खाया जाता है. मीठा आलू पकेगा ना? मत पकेगा. मीठा आलू है ये. शकरकंज क्या बोलते हैं? शकरकंदी. शकरकंजी. और क्या लेना चाहिए भाई? कच्चा केला कैसे बनाते हो जरा पहले बताओ. कच्चा केला बनाते कैसे? ग्रेवी भी बनाने को.
ऐसा आप भी शूट कर रहे हो, आप मत शूट करो ना, मत करो ना ऐसा। केले की सब्जी कैसे बनाते हैं? इसको छील के और ग्रेवी में बनाते हैं। इसको कर नहीं, मैं तो दिमाग ही काम नहीं करे, तो यहाँ पे किसको आ रहा है सब्जी बनाने? मुझे आता नहीं केले की सब्जी बनाना। ये लंबा लंबा क्या है? ये लंबा लंबा दे दो। सिंगी सिंगी ये दे दो। ज़्यादा कितना? तीन छः एक। ये एक कितने दिन चलेगा? एक छः दे दो। अरे यार इधर भीड़ मत लगाओ, मैं तुम लोग के हाथ जोड़ती हूँ यार। भीड़ में लगाओ, भाजी तो लेने दो। देखो मैं मीडिया वालों को रोक नहीं सकती, आप लोग को तो रोक ही सकती हूँ। मत भीड़ करो यार। तुम सारे आ जाओगे। तूरी कौन सा होता है सब्जी? तूरी तूरी वो आपके सामने तूरी है क्या? ये क्या है? लंबा पड़ा दे दो। अरे हेलो, मेरी शादी नहीं हो रही है, बारात मेरी नहीं आ रही जो तुम इतना सब्जी दे रहे हो। हाँ ओ, 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 अरे कैसी सब्जी है? अजगर जैसी तो सब्जी है, पहली बार देख रही हूँ ये। इसको खाने से सर में बाल आते हैं। बाल चला जाता है, बाल चला जाता है, बाल चला जाता है, सब्जी भी दे रहे हो। पालक मेथी दे दो, कोथमीर कड़ी पत्ता दे, मेथी दे कड़ी पत्ता दे, कोथमीर कड़ी पत्ता, ये गोभी भी दे दो थोड़ा। 40 रुपए दो। एक गोभी पैसा इधर पीछे आ दो, पैसा पीछे कितना हो गया? नहीं और गोभी दो। हां एक ही दे, एक ही दे, कीड़ा ना लगाओ। नहीं कीड़ा नहीं, दूधी लौकी। हाँ लौकी दे दो, एक लौकी दे। करेला तो ज्यादा चाहिए। करेला तो ज्यादा है। गाड़ी आगे जम दो। कौन है? नहीं गाड़ी बोलो बोलो। हाँ भाई आगे लो। करेला ज्यादा दो, सड़ ना जाए। सड़ेगा तो नहीं? नहीं नहीं सड़ेगा। बस 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 बस। और अभी सच बताना कितने की सब्जी हुई है मेरी? पूरी दुनिया के सामने मेरा इज्जत मत बिगाड़ो। मेरा डिस्काउंट लग डिस्काउंट तो डिस्काउंट रहेगा। मेरे को डिस्काउंट चाहिए। हां सबसे पैसा डालो। 6000 मोड़ना होगा। बहुत मेरे डाला कड़ी पत्ता, पुदीना, पुदीना एक पुदीना डालो वाला डालो। आलू तो करे नहीं आए क्या? चला और केसर चाहिए तो केसर बहुत अच्छा है। पपीता दे दो। एक को पहले का लो पानी से। वो क्या है? वाइट 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 खरबूजा। हाँ एक खरबूजा भी दे दो। अभी बताओ कितना हुआ? ए रिक्शा के लिए भाई साहब इतनी भीड़ हो रही है भैया, रियली बहुत टेंशन हो रही है। बाइक निकालो भाई अपनी। गाड़ी रोड में लगा के आ गाड़ी निकालो। आप ठीक है देखने के लिए भीड़ मत करो भाई, मैं सब्जी लेने आई हूं, गोल्ड खरीदने थोड़ी आई हूं। हैं सब्जी लेने आई, गोल्ड खरीदने थोड़ी आई हूं। क्या हुआ? हां अपने में ले रहा हूं। ये मक्खियां है ना? चलो चल 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 उधर बादामी। दो तीन दो। ये आड़ा टेढ़ा क्यों दिख रहा है? तुम तो दिए जा रहे हो पैसा कितना हुआ वो तो बताओ। एंड में मेरा हार्ट अटैक मत करना। एंड में देखो मैं पहले बता रही हूँ, एंड में हार्ट अटैक मत करना। हाँ कड़ी पत्ता मिर्ची अदरक सब डालो भाई। पालक डाला? पालक पालक डाला, एक किलो पालक डाल दे। दो 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 पालक, दो पालक डाल। फोटो फोटो एलियन जैसी फोटो मत निकालना मेरी। अच्छा निकालना, अच्छी फोटो निकालना। हे भैया क्या मेरे दिन हो गए, मैं सब्जी लेने आ रही हूँ। मम्मी मेरी चल नहीं सकती इसलिए मुझे सब्जी लेना पड़ता है। और ये सब मुझे चूना लगाते हैं। चूना मत लगाना मुझे, मैं होशियार हूँ, मुझे मालूम है। लोग कितना किलो, कैसा किलो दिया?
सबका अलग अलग रेट होता है। बाजी जरा आगे ले। पैसा कितना हुआ? 510। टोटल टोटल बाजी का मिला के 500। ज्यादा है मैम। 1600 नहीं लिया तुम लोगों ने? क्या आज दिवाली है? नहीं नहीं दिवाली आज डिस्काउंट है। डालो 500 500 दोस्तों 500 400 कर दो। डाल दो। अच्छा गिफ्ट में एक आम तो दे दो। एक आम डाल दो। नहीं गिफ्ट में केला दे दो। ये कैसा केला है? ऐसा कैसा है? सड़ा हुआ है? नहीं 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 क्या दो? कुछ अच्छा तो दे दो कुछ। हाँ दे दो उसको रखवा दो। व्हाइट कांदा नहीं चाहिए। 60 रुपये किलो। वैक्सीन लगवाया तुम लोगों ने? पक्का? नहीं लगाया तो बताओ इधर। होशियार पुलिस स्टेशन पास में सबको लगवा रही हूँ। अपनी एमएलए है ना यहाँ की, वो लगवा रही। 1 2 3 4 5 लो। नहीं ऊपर का 20 रुपये नहीं दूंगी मैं। नहीं परफेक्ट है भाई। बोल रहा है इतना जोर जोर से गिन रहा है इसके लिए। ये कौन है? चलो थैंक यू सो मच। ये आज मंगलवार है क्या? फ्राइडे है। फ्राइडे हाँ फ्राइडे को देखो। अभी मंगलवार रहेगा। चलो चलो ये ड्राइवर मेरा ये मेरा ड्राइवर मुझे कहता है मैडम मेरा पगार बढ़ाओ। मैंने बोला क्यों? बोलता मुझे गूगल करो मैं फेमस हो गया हूँ। मुझे कहता है मुझे गूगल करो मैं फेमस हो गया हूँ। बढ़ा दो मैडम जी। मैं अभी बीच में खड़े हो जाओ ना। केला ले लो। बड़ा वाला ले लो। यहाँ पे पीछे पोज दे रहे हो। गिर गया कच्चा केला यार आपका। यार कैसा केला गिर गया? अजीब सा लग रहा है ये। बस बस हो गया ले लो। मैम अभी वो केले की कीमत बढ़ गई है। दादा सुनो मेरी बात। बीएमसी वाले हो ना? सब जगह मेरे घर के सामने बहुत कचरा पड़ा है उसको हटवाओ। मेरे को डेंगू नहीं होना चाहिए। मास्कर, मास्कर। बीएमसी वाले भाई है अपने। मैडम माया समझे ये तुम गलत हो। देखा मैडम एक पार्टनर सिखा दो माजे सिखा दो। थैंक यू मैडम। ओके बाय। अबे रुको इधर ही उतर रही। राखी जी, राखी जी, how are you राखी जी? Fine fine। भैया जी, क्या बीच में जाया? अरे क्या मैं? क्या पिंक कलर का? अच्छे दिख रहा है। भैया ना। बेबी कॉफी देना है? लेकिन कैपेसिटी नहीं देना। स्ट्रांग। कितना देगी? कितने का? 300 रुपये बाकी है ना? देने का दे दिया था। कितना है क्या कैपेसिटी नो का? मैम। स्ट्रांग बना। कैपेसिटी नो फॉर्म। कैसे हो आप? अरे यार। ठीक हूँ। हाँ जी बोलिए। ये क्या था राखी जी? ये क्या था? ये था कि मुझे तू शांति से कॉफी नहीं पीने देता। सब लोग देख कैसे भीड़ कर दी है।
रेडी है कल की बारिश के बाद आज मिले कल के बाद कल तो मेरा छत टूट गया टेरेस अरे टेरेस नहीं अच्छा मतलब पूरा छत बनाया था नया बालकनी का नए घर पे सब टूट गया आई एम वेरी अपसेट पूरा सिर्फ कल पूरा दिन चार बकेट रख के मैं पूरा पानी गिर रहा था छत से सो कितनी अपसेट हूँ मैं घर से बाहर ही नहीं निकली इतना तूफान इतना ये बहुत परेशान है जिंदगी मैडम ऑक्सीजन कम है और जो पेड़ ऑक्सीजन देते वो तो कल बहुत गिर गए हाँ तो ओरिजिनल ऑक्सीजन कल गिर गए ना गॉड प्रभु आप क्या चाहते हैं ओरिजिनल ऑक्सीजन भी कल गिर गए जो पेड़ में से पौधों में से निकलते हैं माय गॉड एक तो ऑक्सीजन नहीं और एक तो पेड़ पौधे थे वो भी कल गिर गए तो भैया हम कैसे जिंदा रहेंगे प्रभु चाहते हैं हम घर से बाहर ना निकले प्रभु चाहते हैं कि हम घर से बाहर ना निकले और हम हमारे सारे पापों को कबूल करें मेरे पास मत आना ओह माय गॉड ऐसे क्यों हंस रहा है अरे यार हाँ दूर से ही अरे यार दूर से ही मैं अच्छी लगती हूँ दूर से देखो तो ऐश्वर्या राय लगती हूँ नजदीक आके देखो तो राखी सावंत लगती हूँ हाँ यार कैसे भी हंसते हंसते भी जिंदगी निकालनी है क्या करेंगे चार दिन की जिंदगी है मैंने तीन दिन से कॉफ़ी नहीं पी मैंने तीन दिन से कॉफ़ी नहीं पी है मुझे रोना आ रहा है बारिश जा रही है अरे मेरी कॉफ़ी दे जल्दी आ गया मेरी कॉफ़ी दे जल्दी तूफान आ जाएगा मैं उड़ जाऊंगी तूफान आ जाएगा मैं उड़ जाऊंगी तूने मेरा अच्छा एंगल वाला फोटो नहीं लिया तू मुझे एलियन जैसे फोटो बना के छपता है तुम लोग इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल है बाल है और तुम लोग मेरे एलियन जैसे ऐसे फोटो तुम लोग डालते हो अभी मानना चाहिए ना फोटो राखी जी ने पोज किया थोड़ा इधर पोज कीजिए एलियन जैसे मेरी फोटो आए तो याद रखना मैं राखी हूँ एक तो मेकअप करके आई नहीं हूँ राखी जी बिना मेकअप के लाल लाल लग रहे हो आप पकड़ लेगी जाओ भाई जाओ मैं तो कॉफी लेने आई तुम लोग को पुलिस पकड़ लेगी जाओ रोज यहाँ पे मैं तो थाली लगा के घूमूंगी पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो थाली थाली पर टन 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 भाई कॉफी दे देना जल्दी जा पैसे तो मैं क्या चुका कैसे आएंगे लॉकडाउन में कौन से प्रोजेक्ट आएंगे लॉकडाउन में कौन से प्रोजेक्ट आएंगे वैक्सीन तो आया नहीं है प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे भाई देखो तुम लोग के कहने देखो ये लोग भी शूट कर रहे हैं आपके फैन से क्या बोल सकते उनको कुछ नहीं बोलते अंधा फैन है कौन से फैन है फैंस देखो बोलता फैंस को कभी मना नहीं करने का पूरा दिन स्कूटी लेकर घूमते रहता है कौन हाँ वो तो है क्या हो गया इसको ज्यादा वैक्सीन मिल गया क्या बाइक देख कैसे चला रहा है ओहो आजकल सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाने के बाद क्या डांस कर रहे भाई हाँ आपका स्टेटस देखा था हमने तो वैक्सीन में कौन से जानवरों का वैक्सीन बनाया है बंदर का बनाया क्या बंदर के खून से वैक्सीन बनता है ना हाँ तभी सब लोग डांस कर रहे हैं अरे भाई जाओ तुम लोग के कारण पुलिस मुझे भी पकड़ लेगी यार जल्दी से तू क्या आंख मार मार के फोटो खींच रहा है ऐसे ऐसे क्या कर रहा है बता एक एक
अरे क्या खुद मार रहे हो आप कौन हवा से उड़ रहे कल कल कुछ नहीं बाय कल मत दे देना भाई told that they're some of the best in the world and you know I think Yash ladies and gentlemen one more time would request you to grace the stage Karthik sir please Prashant sir Sanju sir yeah please Raveena ma'am please Srinidhi please have a seat jaldi Yes. Now we can shoot. Our questions. कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मैम से? जी, बताएं. मेरा सवाल सबसे पहले कैरेक्टर से है प्रशांत. ये जो फिल्म है, ये साउथ की बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती हैं. सिर्फ उसमें मार धाड़ होती है. लेकिन इसमें एक कहानी है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे प्रेस शो में, तब हमें लगा था कि उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी बहुत ही तगड़ा है. इवन इसमें हम बहुत बरसों बाद मौत के सर पर नाचे, तो भाषा के लेवल पे हो या स्क्रिप्ट के लेवल पे हो, ये सिर्फ मास की फिल्म नहीं है, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी. इवन मेरे जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको पसंद आए. तो आप इसे क्या मानते हैं, क्लास जो ऑडियंस है उनकी फिल्म है कि ये सिर्फ मास की है? मैं फर्स्टली आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ मास मूवी फर्स्ट. आई डोंट ट्राई टू मेक इट क्लासिक. देयर इज क्लास इन दैट, देन दैट इज द डिजाइन ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ. थैंक यू. या इमोशन है. और एक आपसे है सवाल यश, ये जो फिल्म है ये आप पहले भी, इसके पहले भी आपने काफ़ी मार धाड़ वाली फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म बहुत डिफिकल्ट है. जब आप वो उस जोन में जाते हैं, कोल माइंस में जाते हैं और जिस तरह से आपका है, तो वो जैसे एक स्पार्टकस वाली जो फीलिंग होती है वो आती है जब आप वहाँ उतरते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं. तो उस इस रोल से निकलने के बाद आपको कितना वक्त लगा? पहली चीज है ना, नमस्ते. बहुत हमेशा आगे आ जाते हैं जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं. दिस इज नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है. जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है, उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट इज हर एक्सपेक्ट ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे हैं. एंड व्हेन वी से एक्शन, इट इज स्टाइलाइज्ड, यू नो, इट इज नॉट समथिंग वेर यू फील ऑकवर्ड. और आई ऑलवेज डू फिल्म्स वेर आई फील आई कैन वॉच इट विथ माय फैमिली. दैट नंबर यू विल गेट, एंड that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses. सीटी बजा के, ताली बजा के, नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है. और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing. And in previous question you asked about the dubbing and this thing, I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to
respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are few people who have really worked hard for that. हमारे committed himself in spite of there was जैसे हम shoot करते हैं ना वो normal नहीं होता क्योंकि it is not nothing सब बोलते होंगे ना shooting में picnic जैसा था आराम से मजा करके शूटिंग किया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड बिकॉज इट वॉज सो डिमांडिंग एंड आई थिंक ही सेट अ एग्जाम्पल दैट इज समथिंग विच वॉज प्रशांत आपके सामने यहाँ पे मधु बीबी से हिंदी से ना और जैसे हमने कॉल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है वो इमोशन जो शायद आप हमें फिल्मों में इसके जरिए और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है वो साफ दिखता है. इस विजन के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे. ये दिस विजन वाज मेड बिफोर वी स्टार्टेड चैप्टर 1 फर्स्ट हाफ वी हैव ओनली टोल्ड हाफ द स्टोरी सो we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. We are when you watch the movie you'll understand that you know the scale or the new characters that have been introduced. It probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us. When you talk about the scale, it was Deepa Mantarudu Films Today Magazine. KGF to expectation is jaasti agide idirkinta hechge naavu en nodabodu munde anta ik sadhi KGF bage maatadana illa pa nijavalu namge expectation nimminda jaasti agide enadru hage plan ide anta. That's my job. Nam kelsa adu. Neevu en expectation ettkotira adanna reach madodu nam kelsa. So let's talk about KGF now. Adad mele munde en martini anta nimge helti. Nange KGF 2 inda kannadadalli ondu dialogue bekittu. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಶಾತ್ಮಾ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೋಲ್ ಇಸ್ಕಾ ಎಮೋಷನ್ ಹೈ ಔರ್ ಮೇರೆ ಕೋಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೈ यश सर आपसे मेरा सवाल ये है कि यू नो आरआरआर ने एक ट्रेडमार्क जो है वो ऑलरेडी सेट कर दिया है ब्लॉकबस्टर हिट करके कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील कर रहे हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट है और केजीएफ से लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू नो उसका रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ केजीएफ टू ही तोड़ सकती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर व्हाट आई बिलीव इज वंस द मूवी इज रिलीज्ड एंड इफ दैट वर्क्स इफ दे लाइक इट देन they will promote the movie more than me. So then it is left to them how many people will reach it. So it's all our this thing in initial stage pe. But yes, of course we are expecting a huge number. I never think like we have to break this record or that record. I'll only think about the potential of the industry or potential of what we have done. And record banane mein zyada interest rehta hai. The record todne ka sochta hi nahi main. Naya record banana hai. Matlab everybody should do that. Whoever comes after us also, they should pass that thing and set a new benchmark so we can aim at bigger things. That's how I look at things. Yash. Hello. Your South stars हैं उनको यहाँ पे काफी ज़्यादा popularity मिल रही है, काफी acceptance और प्यार मिल रहा है. So can we expect in future that you would like to collaborate with some Bollywood director? I mean Hindi director. Okay. Yeah, why not? See, it's about I always believe it is director's vision. And as an actor, you are only as good as your movie and as good as your director can imagine you. So today, if you see this Rocky or this KGF, it is Prashant's imagined thing. And he loves his heroes so much, so he presents us like that. So if there is any director who can present me the way audience want to see me or my fans want to see me, why not? I don't have a difference between the director from Hindi or Tamil or Telugu. Just diggaj kalakar aapke saath hain. Main jahan tak main jaanta hoon Hindi film industry ke casting plays a very important part. Kis bina pe aapne jab Ravina sirf ek lafz kehti hai ki ghus ke marenge to theater mein aag lag jati hai. I hope everyone is agree in the audio sitting along with me. Kis bina pe casting kari aur kya hamesha se zehen mein Sanjay sir aur Ravina ma'am the? From I think when we started writing the script, we had written down, I wanted somebody who was proper. You will probably get to see on screen.
Ravina, what was your reaction the moment they asked you to be on board and to play? मैं जब प्रशांत से मिली KGF 1 ख़त्म ही हो रही थी उस समय और ये उस KGF 1 के दौरान एक कंटिन्यूटी था जो KGF 2 में ज़्यादा था तो KGF 1 के बारे में मैं इतना सुन चुकी थी ऑलरेडी सबसे चाहे वो रितेश हो फरहान हो या अनिल हो उनसे इतना सुन चुकी थी कि मेरी एक एक होता ना एक गुंजाइश ही नहीं होती कि नो आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस इट हैड टू बी दैट आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी एंड ऑब्वियसली KGF 2 में देखेंगे आप कि प्रशांत के साथ काम करना आई थिंक यू नो इट इज़ जस्ट हर एक आर्टिस्ट को जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू आई थिंक फॉर एनी एक्टर टू वर्क विद अ टीम लाइक दिस एंड विद प्रशांत ऑफ कोर्स हेलो प्रशांत सर ऑन योर लेफ्ट या सो टू एंकर द स्टोरी यू नीड वन बिग कॉन्फ्लिक्ट and I don't think it is just Adhira's floor when you come to see this. Adhira represents that big conflict for everybody. You know, that big, those big moments that you want to see in cinema. And there is a conflict with, an empire is not easy. If there are only 2-3 people who want that empire is not worth it. So we have worthy adversaries as we go along in the movie and I'd love for all of you to watch it and I think I've waited a long time. Can you hear me, Ravina? I'm here. मैंने कहा था कि आप हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत औरतों में से हैं और एक दिन बड़ी फिल्म स्टार बनेंगी. Thank you जी. और लेकिन आपने मेरी बात की मुखालिफत करते हुए कहा था कि मैं तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ. जी वो सही है. और चांस मिलता है तो दमदार डायलॉग बोल देते हैं. दो बातें पूछनी थी. एक तो ये कि इतना लंबा अरसा हो गया, कितना लंबा अरसा हो गया वो मैं नहीं बताऊंगा. आपने अपने आप को इतनी अच्छी तरह मेंटेन कैसे किया हुआ है, इतनी उम्र को कैसे धोखा दिया? सर रात में फ्रिज में सोती हूँ. सुपर कूल. और दूसरे ये कि असल जिंदगी में तो आप पुलिस ऑफिसर नहीं बनी, लेकिन पर्दे पर पुलिस ऑफिसर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक के रोल आपने किए, तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे या सिनेमा में ही रहना चाहेंगे? सर बस एक दो को धोने का चांस मिल जाए तो उसके बाद वापस फिल्म्स कर लूंगी. शुक्रिया. थैंक यू सर. थैंक यू सिराजी. वी जस्ट टेक टू मोर क्वेश्चंस. मेरा सवाल संजय सर आपसे और रवीना मैम आपसे है. मैं चाहूंगा रवीना जी शुरू करें और मुझे भी लगा था मैं कम बोलता हूँ. इंडस्ट्री बनती जा रही है एंड इट्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स तो वो एक बहुत मज़ेदार बात है. पहले तो हम जाते थे बॉम्बे से हैज टू इवॉल्व विद द टाइम्स एंड मैं ज़रूर ये कहूँगी दैट आई एम वेरी खुशी की बात है एंड मे आर इंडस्ट्री ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर ऑलवेज. थैंक यू सो मच. वी जस्ट टेक टू लास्ट. जर्सी भी रिलीज हो रही है तो थिएटर को लेके और जो वो है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जी. इस डेट को जर्सी भी रिलीज हो रही है तो थिएटर को और जो टाइमिंग है उनको लेकर कहीं कुछ दिक्कत आई? दो पिक्चर हमेशा बड़े डेट पे आती है एंड बोथ समर ईद पे भी दो आ रही है, दिवाली पे दो आती है, सो इट्स ऑल एंड ऑल. ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन वी टेकिंग एंड देन वी हैव टू रैप अप. यस प्लीज. हाय 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 काय जानना चाहूंगी कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर. जिस तरह से KGF एक मास मूवी है सो KGF 2 को लेकर कितना एक्सपेक्टेशन होगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर? प्लीज वन बाय वन. संजय सर बोल दीजिए. आपसे पूछ रही है कि क्या उम्मीदें हैं बॉक्स ऑफिस को लेकर, अभी से एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, लोग इतना ज्यादा क्रेज है, इतना ज्यादा बज है, इतना पॉजिटिव बज है. हाँ प्रीति बोल दिया मैंने बता रहे हैं. मैंने जब प्रशांत और यश पब्लिक का प्यार देखकर मुझे यही लगता है कि जो मैंने सोचा था सही होगा. हाय 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 दिस इज रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्मी फीवर. जी
कार्तिक सर, प्रशांत सर, श्रीनिधि, यश सर, ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर मीडिया एंड रवीना मैम एंड संजय दत्त सर, निमगे कन्नड बोलना चाहूंगा, निमगे मुंबई के स्वागत। थैंक यू थैंक यू, आपका स्वागत है। ओके रवीना जी, आप क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, एक चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सर क्या कहेंगे जो ट्रांजिशन हुआ है, इस ट्रांजिशन के लिए क्या कहेंगे? फर्स्टली आई वॉन्ट टू थैंक यू एंड लॉट ऑफ यूट्यूबर्स और वैसे लोग बहुत सारे प्रमोशन किए के जी एफ चैप्टर वन में। आई सॉ देयर वाज वन गाय कॉल्ड बॉलीवुड क्रेजीज, उनका भी थैंक यू मैन। when we came to Bombay or when we came here, not many people knew about us, but I think Ravi and Surya, I remember your name, yeah, because it was very sweet. जिस तरीके से ने आप लोगों ने हमारा फिल्म को तब प्रमोट किया ना, एंड आई वुड वांट टू रिमेंबर यू गाइस लाइक लाइक दिस लॉट ऑफ यूट्यूबर्स इन एवरी स्टेट, एवरी लैंग्वेज, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे ऑल सपोर्टेड अस विद ओपन आर्म्स एंड आई एम गोइंग टू बी आई होप आई कैन आई कंट्रीब्यूट टू दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गाइस। Also would like to invite on stage Thalani Saab, Anil Sir, one more time please. We have a surprise, another surprise dropping guys. अपनी किस्मत है, अटैक की अपनी किस्मत है, और ऐसे जो पेन मरुदा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, संजय जी पूरा उसका भार लेते हैं, और उन्होंने पहले ही प्लान किया कि वो फिल्म हम लोग ने 1 अप्रैल को पहले डिसाइड किया था कि ये 1 अप्रैल को आ रही है। आरआरआर की डेट ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत बारी ऊपर नीचे हुई, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बहुत सारे पार्टनर हैं। ये फिल्म पूरी हमारी है, तो ये लोगों को सरप्राइज़ देगी कि ऐसी इंडिया में फिल्म बनी है, मतलब ये सबको सरप्राइज देगी, कोई से नहीं सोचा नहीं होगा इतनी अच्छी फिल्म इंडिया में बन सकती है। जैकी मैम, हाय जॉन, टुवर्ड्स द लेफ्ट, सक्सेस ऑफ बच्चन पांडे, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड माय एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक एवरीवनस फीलिंग इट, वी हैव मेड अ रियली डैम गुड फिल्म एंड वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर इट एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। I still haven't seen the film, John's seen it, but I just knew from the time we were making it that, you know, this is, and from what little I've seen, and the conviction also that, you know, Laksh has, I'm excited, and I think, you know, we've got something really amazing and very, very special, especially it being so unique. So yeah, expectations are high. John, I noticed a poster says, everybody has noticed this, Attack Part 1. So obviously we know there's a Part 2 in the making. When y'all announce before a movie has already released that this is Part 1, there is any pressure, there is at least an anxiety, because sequels usually come when a movie is successful. That's how the industry works. So is there any pressure that this needs to be it, or y'all are so confident that y'all are completely sure this is going to be it? So I'll tell you what we're confident about. So to answer your first question, we intend to make a part two. We've got a script ready, but we can't comment on when we want to get going with it. Now, talking about the commercial success, you know, you can only decide to make a part two when your studio partner is on board. So I brought this question up with Jayanti Bhai. I said, Jayanti Bhai, हम लोग ने decide किया कि हम लोग part 2 कर रहे हैं, पहले part 1 को release तो होने दो, you know, that's the normal this. He said, चलो एक काम करते हैं हम लोग, John, हम लोग पहले part 2 का sign कर लेते हैं, उसके बाद attack part 1 release करते हैं. That was his level of confidence. So I don't know about the commercial success or failure of this film. I'm being honest. I'm not a trade expert. I'm not a reviewer. I don't understand this. But I can tell you one thing on record. We made a very, very good film. Very good film, and it's a very different film. So in management, there's a saying, the higher the risk, the greater the profit. So I think it's always important
to try something new because the audience will always appreciate that you've made something different. So when you sit in also, you say, wow, these guys have really tried something unique. And I think that's what's special about Attack. So we want to carry that forward because when you see our film, you'll understand that our story has to carry forward. Has to carry forward. Laksh, my next question is to you. It is obviously something that Indian cinema, Hindi cinema needs. But I couldn't help but also, because I love these kind of movies, my mind went back a little bit to Vin Diesel's Bloodshot and then Van Damme's Universal Soldier also. Any inspiration from those movies? Yeah, I think we've been inspired for a lot of movies. They've done it in Hollywood, no doubt. But honestly, Bloodshot, I don't want to say because we were actually shooting it before Bloodshot released. All right. But at the same time, I didn't make the cyborg trope that's already been there. So they have made lots of movies like that. But the actual inspiration came from DRDO. Our own development research organization of India is actually making super soldiers. So even they didn't come out with the concept of super soldiers, but they're making it in India here. But I do believe that we are the best army in the world and we have the best scientists in the world. And they have come together to make India's first super soldier. All right. So that is what the actual inspiration is. And if I feel even in the current scenario, if something like this happens between, if I can say it, but we are the best army in the world and the best scientists. So we're there. And my final question is to John, Jayanti sir, and Laksh all together, is that you were just now speaking about the budgets. And just for an example, like Amazing Spider-Man 2, the Andrew Garfield movie, which was one of the cheapest superhero movies, the budget for the VFX itself was 425 crores. So I would like, because people over here, the audience over here keeps complaining that the movies do not look in the same scale, do not look in the same vision. I would like you all to say something about how difficult it is to match that scale and match that vision. So I'll just answer this question very simply in the Indian context so you understand, and you'll understand this well. An actor's fee is usually close to 50%, if not more, of the entire budget. In our case, our VFX was probably 30% of the entire budget. So you can understand, am I right, Laksh, Suchit, yeah. Correct? So we have, what I'm trying to tell you is, we have not spent on John Abraham, but we have spent on VFX on this film. Yes. Because the idea was to get out a good film. So even if you ask Jayanti Bhai, and I don't say this, I'm not in the race for charging the most or the least, but when it's your baby, you want the best product out. So Jayanti Bhai will probably tell you what John Abraham has charged. Zero or minus? Yeah. So that's the way you make a good film and you spend on the film. So that people like you, when you spend your 500 or 1,000 or 2,000, come and see something that's worth it. And that's where you build credibility. So with Attack, we wanted to build credibility as a team, as partners, and also as producers. That's why it's an action film. Everybody says, "Theek hai, action hai isme." But it's action with a difference. It's action done to the highest quality, VFX done to the highest quality, sound design done to the highest quality, music, outstanding. You know, everything in this film has been taken 4 steps higher than on any other film. Forget that I have done, that the industry has done. Because we wanted to get a product like this. So that's important. Now, if the film doesn't work for some reason, we have tried our best. No one can take that away from us. No one can take that. They can't say, "Are shortcut nahi hai kya." So we have done everything to make this work to the best of our ability. Hi, Jacqueline. Shatma this side from Home Bollywood. Jacqueline, aapke fans thode bahut disappointed the jab unhone aapko Bachchan Pandey mein bahut kam dekha. Well, can we expect more of you in this film? Actually, with Bachchan Pandey, which we had made clear from the beginning, was a special role, which was always there. In Attack, there is... Watch the movie on first. Yeah, you'll definitely see something exciting. Right. Also, aapka ek dialogue hai, so cheesy wala. So, what's the cheesiest line, Rakul, aur aap dono se sawal hai ki, what's the cheesiest line you have ever heard from someone? Wait, this is the cheesiest line. What was the line? Aur mere dil mein jo turbulence ho raha hai, uska kya? There we go. That was definitely the cheesiest. I don't know who, like Lakshi wrote that, so yeah. Laksh has a lot of, John, oh, you wrote that? I don't
This was They're full of them. They're full of them. I said, let's have a cheesy line because cheesy lines, Laksh. No, I said that, I mean, it's fun because youngsters, may, you know, when you're on a flight, you're meeting someone, it's kind of cool and sweet to say something cheesy. And I think this is new age romance. She's saying there's turbulence. And I said, what about the turbulence in my heart? And it sounds really cheesy, really cheesy. Really cheesy. So it's fun. I don't offhand remember anything cheesy. I think I just don't notice it. I don't remember. Don't worry, just ask Laksh. Yeah, I think they'll Laksh be able to help you. Don't Laksh, worry. Laksh, come on. I think you should open your. No. Part two for part two. The other cheesy line for me in part two. Hi, myself Deepesh Pandey from Dainik Jagran. Mera sawal Laksh se rahega. Laksh, hi. Hi. Mera sawal Laksh se rahega. Laksh, ye film do parts mein ban rahi hai. इससे पहले बाहुबली से लेके KGF कई पुष्पा भी दो पार्ट्स में बन चुकी है तो एज अ डायरेक्टर जब आप इसको दो पार्ट में बना रहे थे पहले से ही इंटेंशन था कि दो पार्ट में बनाना है या फिर स्टोरी आपको दो पार्ट में बनाते हुए ले गई दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर दो पार्ट्स बना रहे हैं तो दोनों पार्ट्स के बीच में कितना गैप रहना या फिर आप ज़रूरी समझते हैं इसको कितना गैप रखना देखिए जो ये लेंट करता है ट्रोप वो फ्रेंचाइजी टाइप ही है जो पहले से हमें पता था कि हम बनाने वाले हैं ऐसे फ्रेंचाइजी बट जो पार्ट टू में आपको बहुत सरप्राइज हो गए अब अगर इफ़ यू ऑल एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा इन पार्ट वन पार्ट टू विल बी इवन मोर सरप्राइजिंग दैट यू ऑल आर नॉट गोना थिंक ऑलराइट सो व्हाट वी प्लान टू डू इज एक्चुअली सी हाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड आई डोंट थिंक इट्स ओनली पार्ट टू विल बी पार्ट 3, 4, 5, 6 ऑलराइट सो वी हैव डिफरेंट आर सुपर सोल्जर्स कंटिन्यू ऑलराइट सो आई थिंक इवन यूनिवर्सल सोल्जर हैज 6 पार्ट्स और समथिंग ऑलरेडी And what was your second question? Sorry. दो जब दो parts में बना रहे हैं तो कितना gap रखना दोनों parts के बीच में जरूरी है या फिर gap रखना पड़ता है? नहीं ऐसा नहीं है. We are going to figure after this film where it lands and उसके बाद हमें समझ आएगा कहाँ पे part two start होता है. But part two is going to start in our heads right now 6 months after part one. All right, so somewhere close to that. Yeah. We'll take one last question, ladies and gentlemen. Huh? Yeah, I don't see. I think social media is a very powerful medium, and especially for me because I'm an animal lover. So to protect animals, I think it's a great medium. My problem is, I don't know how to use social media. I'm not good at it. So when someone's not really good at it, then I don't know why I need to be there. I mean, I remember you telling me that when we were having this discussion about Instagram and social media, he was like, I'm really, you know, not very good at it. He's like, Jackie, just help me with one thing. So I thought, okay, maybe he'll ask me to help him, you know, how to make a reel or what to post. And he's like, just make sure you repost the stuff that I post about animals if they need help, if they need anything, which is actually so amazing. He's using it for the better good, so yeah. John, you have a question. Your image has become a mature producer and a sulchawa actor. कभी सेट पर ऐसा होता है कि इस एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में किसी डिसीजन को लेने के लिए के बीच में वो जो केओस मचता है दिमाग में जीत किसकी होती है आखिर में आई थिंक हमेशा प्रोड्यूसर की जीत होती है इट्स हमेशा बिकॉज आई थिंक Gail. Brazil.
Thank you.
Thank you.
Thank you.